Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. ये मेरा बेटा बैठा हुआ किनो छील रहा है. ये बहुत शौकीन है किनो खाने का. पूरे खाने आपने जितने रखे हुए हैं, ठीक है? ये आपका चैलेंज है. धूप में बैठ के खाने का मज़ा ही अपना है. इधर देखो, बहुत शर्मिला है. ये वीडियो के सामने नहीं आता, कहता मेरी वीडियो नहीं बनानी. इतना अच्छा मौसम है. कब का बैठा हुआ, इतना लेजी है, खाया कुछ भी नहीं है. सिर्फ एक माल्टा खाया इसने. हाँ जी, आज मैं पास्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ. आज पास्ता बनाने का तरीका बताऊंगी कैसे बनती है, मैं अपने तरीके से. वैसे तो आप सबको आती है, लेकिन मैं आज अपने तरीके से बनाऊंगी. उसके लिए ये सारी चीज़ें मुझे काटनी पड़ रही हैं. पास्ता बनाने के लिए ये मैंने लिया है 6 जवे लहसुन के हैं, जिसको मैंने चॉप कर लिया है. और 1 अदद प्याज लिया, ये भी मैंने चॉप किया है. 3 अदद ये कैरेट है, इसको भी मैंने काट लिया है बारीक बारीक. 2 अदद ये कैप्सिकम है, जो मैंने काट लिए. और ये चिकन है, ये 250 ग्राम मैंने पास्ता लिया है. और इसमें जाएगा चिली सॉस, विनेगर और सोया सॉस और गार्लिक चिली सॉस. और इसके अंदर मसाले जाएंगे, ये चिली फ्लेक्स है और ये ब्लैक पेपर और ये सॉल्ट. अब हम पैन लेंगे. इसके अंदर हम पानी डालेंगे. इसमें हम 2 चम्मच ऑयल डालेंगे. और इसमें ये नमक जाएगा. पानी मुझे कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा और इसमें ऐड करूंगी. जब जब पानी उबलने लगेगा, इसके अंदर मैं पास्ता डाल दूंगी. हाँ जी, ये देखिए, मैंने ये पास्ता डाल दिया है और अब ये बॉयल हो रहा है. जैसे ही ये बन जाएगा, पक जाएगा, तो मैं फिर बाहर निकाल लूँ.
गार्लिक चिली सॉस साथ में ये वाले जो हमारे मसाले हैं ब्लैक पेपर चिली फ्लेक्स नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे अगर कम हुआ तो और डाल देंगे इसके साथ ही हम डाल देंगे पास्ता और ये जो हमने फ्राई की हुई वेजिटेबल्स हैं ये वाली ये हम डाल देंगे इसको ओवर कुक नहीं करना जब ये फ्राई हो जाए हल्की से तो ये डालना है ताकि इसका कलर बरकरार रहे और बीच में हल्का हल्का क्रंचीपन भी आना चाहिए इसके बाद हम डालेंगे विनेगर दो टेबलस्पून साथ में जाएगा सोया सॉस दो टेबलस्पून साथ में सोया सॉस साथ में जाएगा चिली सॉस क्योंकि हम पहले गार्लिक चिली डाल चुके हैं इसलिए थोड़ी ही डालेंगे हाँ जी ये हमारी रेसिपी डन हो गई है अब हम इसको हल्के से दम पे रख देंगे ये बिल्कुल अब रेडी हो चुका है और इसकी लुक इस तरह की अब मैं आपको ये निकाल के दिखाऊंगी प्लेट में इसकी खुशबू बहुत प्यारी है और ये देखने में भी बहुत अच्छा है और इंशाल्लाह खाने में भी हाँ जी ये पास्ता मेरा बिल्कुल रेडी है अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बाय अल्लाह हाफिज़